मेरे 5 साल के कार्यकाल में सुसनेर में काफी विकास हुआ है। हजारों कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए। देखिए, चुनाव तो कोई आसान होता नहीं है। कुछ योजनाएं जिनका क्रियान्वयन नहीं है उनका हम क्रियान्वयन करेंगे। हर चुनाव में कांग्रेस का वोट घटता गया है। सभी ये परिवार में विवाद तो होता है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करूँगा और सब एकजुट होकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हो और मैं सुसनेर में हूँ। बीजेपी ने टिकट दिया है राणा विक्रम सिंह को और आज वो यहाँ मठ है, मठ में मत्था टेकने के लिए आए हैं और आज हम उनसे बातचीत करें। राणा जी, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पार्टी का टिकट। धन्यवाद धन्यवाद। और क्या कहेंगे पार्टी का टिकट जो दिया उसको लेकर? मैं राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी का बहुत आभार कि उन्होंने सुसनेर से प्रत्यक्ष बनाया पार्टी का। राणा जी, बड़ा विश्वास होता है पार्टी को कि जिस आदमी को हम टिकट दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे लोग लाइन में थे, लेकिन आप पे, आप निर्दलीय थे भले ही पहले, फिर भी आप पे विश्वास जताया। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? लोगों के कुछ काम हुए, रीज़न क्या बड़ा मानते हैं आप? देखिए, मेरे 5 साल के कार्यकाल में सुसनेर में काफ़ी विकास हुआ है। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सिंचाई का हो, पेयजल का या बिजली का हो, तो जो विकास कार्य हुए सुसनेर में और यहाँ की जनता, आज भी आपने देखा नहीं, जब से दत्तराज आगे सीमा शुरू होती है सुसनेर विधानसभा की, हजारों कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए। और निश्चित रूप से मैंने जो 5 साल माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, ये विगत 3 साल में जो विकास कार्य, मुझे विश्वास है जनता मुझे फिर अवसर देगी। आज जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, उससे पहले यही लगता था कि कांग्रेस ने एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है, भीड़ उनके साथ ज़्यादा, पर आज एक रिकॉर्ड टूट गया। अब मुकाबले को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, चुनाव तो कोई आसान होता नहीं है और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी परिश्रम से, मेहनत से सोचने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। जवाब आप ईमानदारी से देखते हैं, ये देते हैं, मैंने ये देख लिया, बस एक जवाब और दे दीजिए। अगले टारगेट्स क्या हैं अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं। कुछ योजनाएं जिनका क्रियान्वयन नहीं है उनका हम क्रियान्वयन करेंगे। कांग्रेस को कितना टक्कर में मानते हैं वो आप बता नहीं पाए? मैं आपको बता रहा हूँ, विगत 3-4 चुनाव का मेरा अनुभव है। 2008 में मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था यहाँ से, उस समय मुझे 54,290 वोट मिले थे। उसके बाद हर चुनाव में कांग्रेस का वोट घटता गया है। 2009 में लोकसभा में आदरणीय नारायण सिंह हमला भी 51,000 वोटों से चुनाव जीते, 51,000 वोट ला के। 2013 में फिर माननीय अंबावती लड़े, कांग्रेस उम्मीदवार थे, वो 52,000 पर सिमट गए। और 2018 में कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया था वो 48,000 पहुँच गया। हर चुनाव में कांग्रेस का मतदाता कम हो रहा है। अच्छा, अब की बार कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, जो भी टिकट लेके आता विरोध वाले बड़े होते हैं। हालांकि सुसनेर में इतना ज़्यादा नहीं हुआ, पर अगर कुछ लोग शांत भी बैठे हैं, उन सबको मना के एक मंच पे लाने के लिए कुछ प्लानिंग की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने दावेदार थे, जितने माननीय पूर्व विधायक, माननीय जिलाध्यक्ष हैं, उन सबसे चर्चा करूँगा। मुझे विश्वास है सभी ये परिवार में विवाद तो होता है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करूँगा और सब एकजुट होकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। राणा विक्रम सिंह मेरे साथ थे, बड़े शांत तरीके से अपनी चुनावी जो रणनीति है वो साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नाराज़ भी अगर होंगे बीजेपी में, उन सबको भी मना लिया जाएगा। खैर, आप लोग राणा विक्रम सिंह को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। कैमरे से सचिन के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।